डॉक्टर आसमा आज हमारे साथ हैं और उनका एक नया डिपार्टमेंट में नया रोल मिला है, उसी के बारे में हम बात करने मैडम आपसे आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। आसमा मैं ये बताइए कि BMCRI में आपने 23 साल तक काम किया है, उसके बाद अब ये नई रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताइए क्या है। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ बैंगलोर मेडिकल कॉलेज, ये वाला नया है। ये सारा स्टूडेंट्स का एकेडमिक रिलेटेड पोस्ट है, मतलब बच्चों का अंडर ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, एग्जाम्स, एडमिशंस, टेस्ट्स, फेलोशिप्स, मार्क्स, स्कॉलरशिप्स, यूजी टीचिंग, पीजी टीचिंग, फैकल्टी डेवलपमेंट, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर टीचर्स, सारा उनके कॉलेज फेस्ट, कॉलेज मैगजीन्स, गेम्स, स्पोर्ट्स, सब स्टूडेंट रिलेटेड एक्टिविटी प्रिंसिपल की जिम्मेदारी। तो ना हॉस्पिटल का तो काम तो है ही, अच्छा। हमारा डिपार्टमेंट का काम है। इसके बाद वाणी विलास में मैं क्वालिटी हेड एंड इन्फेक्शन कंट्रोल देख रही हूँ, वहां से भी अभी रिलीव नहीं हुई हूँ, तो वो भी चल रहा है जी, अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। तो वर्किंग आवर बढ़ गए। हाँ, वर्किंग आवर थोड़े बढ़ गए। तो मैम, कोविड में आपने बहुत काम किया था और सबने उसकी तारीफ भी की थी जी, तो अब जो नया रोल मिला है इसमें बच्चों को क्या फायदा हो सकता है? क्योंकि एक चीज बहुत खुल के आता है कि बहुत सारे बच्चियां मेडिकल तो करना चाहती हैं लेकिन ऑप्शन कम है, क्या सजेशन देंगे आप इसके लिए? सीट, मेडिकल सीट लेने के लिए दे हैव टू वर्क अ लॉट, टू गेट नीट दे हैव टू टेक, एंड इफ सीट मिल गई तो अच्छा है, बट आई वुड से द सीट, थोड़े लोग पेमेंट सीट्स पे जाते हैं, पेमेंट सीट 1,35,00,000 टिल यू फिनिश इट, that is not worth it. Not worth it. If you have a family business of having a chain of hospital, then do it. Otherwise, itna establish ho ke kamane mein, honestly kamane mein, saalon lag jayenge. So I would not say payment seat, but merit mein mil gaya to you can take it. Other than that, you have lot of allied health science courses like diploma in anesthesia, BSc MLT medical lab technology, BSc anesthesia technology, BSc radiotherapy, ये बहुत से allied sciences हैं which people don't know and they are equally good, cardiac care technology है, so सारे जो paramedical and allied sciences हैं they can take up those things, they settle fast, छोटे छोटे courses 3 साल के graduates होंगे, lot of good job opportunities, physiotherapy है, so they could do that. जी मैम, जैसे आपने कहा कि जो मेरिट पे जाते हैं तो ठीक है, बहुत कम पैसे में डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन बहुत सारे पेमेंट सीट पे जाते हैं। एक दूसरा ऑप्शन बहुत ज़्यादा चल रहा है जो कि अब्रॉड जाके पढ़ाई कर रहे हैं और काफ़ी रिजनेबल में हो जाता है, तकरीबन एक पूरी 6 साल की पढ़ाई उनको 25 लाख में हो जाता है, कुछ कंट्री ऐसे हैं। जब वहाँ से बच्चे पढ़ के आते हैं और आपका एक्सपीरियंस काफ़ी लंबा है, तो आपने वैसे बच्चों को भी देखा होगा जो बाहर से पढ़ के आए, क्या डिफरेंस रहता है? एक तो क्लिनिकल, हमारा जो क्लिनिकल एक्सपोजर है वो बहुत ज्यादा होता है, जैसे सो मेनी इन्फेक्शन एंड ऑल, यहाँ पे जो बीमारियां हैं वहां पे है नहीं, तो हम लोगों की ट्रेनिंग में वी सी लॉट ऑफ केसेस, प्रैक्टिकल बहुत है, वेयर एज वहां पे उनके सिस्टम ऑफ केसेस डिफरेंट हैं, डेवलप कंट्रीज के अलग हैं, हमारे एक्सपोजर उतना नहीं होता उन लोगों में, एंड देन नाउ दे विल हैव टू टेक एग्जिट एग्जाम, तो फिर वो भी है, यहाँ के बच्चों को कॉम्पीट करना पड़ेगा, तो आके जो नेक्स्ट एग्जाम है देना ही पड़ेगा उनको, एंड यहाँ के लेवल ऑफ टीचिंग, अब हमारा नया करिकुलम आ गया है ना 2019 से CBME, वेरी अनफॉर्चुनेट कि कोविड के साथ ही कोइंसाइड हो गया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन हो गया। तो आप ये बताइए कि ये लोग जो पढ़ के आते हैं इनके लिए कुछ फ्यूचर अच्छा है क्या? क्योंकि आजकल काफी ट्रेंड चल रहा है, काफी बच्चे जाते हैं, तो क्या सजेशन आप देंगे कि ऐसे जाना चाहिए अगर वो बच्चे जाएं जो कि रियल में पढ़ना चाहते हैं? क्योंकि अगर पैशन है जी, अगर आपको जरूर परस्यू करना है एंड कंटिन्यू करना है तो डेन टेक अप मेडिसिन, अगर ग्लैमर के लिए आ रहे हैं तो मत आइए, हरगिज नहीं, इट इज लॉट ऑफ डेडिकेशन, लॉट ऑफ परसिवरेंस, पढ़ने में ही, पोस्ट ग्रेजुएशन करने में ही 12 साल लग जाते हैं, तो फिर If you are not passionate about it, don't do it. एक और सवाल मैम कि जो लेडीज हैं उनके लिए जो मेडिकल कर रहे हैं कितना डिफिकल्ट होता है फैमिली को चलाते हुए एक इस प्रोफेशन में रहना? पैशन, अगेन पैशन, मेरी अम्मी, व्हाटएवर, माय मदर वाज ऑलवेज वेरी पर्टिकुलर कि MBBS करेंगे शादी हो जाएगी एंड पोस्ट ग्रेजुएशन तुम बाद में कर लो, तो इमीडिएटली मेडिसिन होते ही मेरी शादी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, एंड विद इन अ ईयर आई हैड माय बेटा, so I had given my entrance when I was pregnant and I delivered him and I got my seat,
So I've done all my post graduations with my children and my family. So it's very important you have a family background, you have a supporting family, a spouse or your parents or your parents-in-law who can stand by you. Mm-hmm. And then you should continue. Just doing MBBS and sitting at home, you're wasting a seat. Mm-hmm. Many of them do that. So I would say you either continue it as a career because you're wasting somebody else's precious seat. Mm-hmm. So don't do that. तो अगर आपको दिलचस्पी है और इसको ज्यादा पैशन पैशन दीवानगी दीवानगी दैट इज व्हाट आई कैन कॉल यू इट इज दीवानगी नथिंग एल्स देन दैट इफ यू वांट टू मैनेज अ फैमिली अ करियर एंड यू वांट टू बी सक्सेसफुल इट इज यू हैव टू सैक्रिफाइस योर वेकेशंस योर फैम समटाइम्स योर फैमिली टाइम समटाइम्स योर हैप्पीनेस एवरीथिंग टू रीच अ पर्टिकुलर स्टेज एंड देन इट बिकम्स अ ऑयल्ड मशीनरी के आप लोग अप करते जाओगे आपकी वो आदत हो गई है यू विल एंजॉय योर वर्क It becomes a parcel of your life. तो लास्ट में जो बच्चे इस बार नीट पास किए हैं और जो मेडिकल में आना चाहते हैं उनके लिए क्या आप सजेशन देंगे? If you are ready for this sort of perseverance, then sort of dedication, not only for the 5 years of passing out, lifelong dedication. You want to make a difference, then welcome. We will welcome you with open arms. But don't come because of your parents you want you to do it. Don't come that you want a basic degree and then you want to take up science, this thing, what do you say, administrative services. Many of my students do that. Hmm. After MBBS they take up KS and IAS. I said, why did you have to waste a seat? Waste you could have done a BA, BSc and do it. You are too good. Why did you do that? So I would say if they really want to do it, we are all there to support them. It's an excellent field. तो मैम जैसे कि आपने कहा कि लोग आके डॉक्टर बनने के बाद भी छोड़ देते हैं और सीट वेस्ट जाता है तो कब डिसीजन लेना चाहिए और क्या कुछ काउंसलिंग करना चाहिए जब आप 12th में हैं बंदे को कब समझ या लड़की को या लड़का समझ में आना चाहिए कि मैं इसमें जाना चाहती हूँ या जाना चाहता हूँ See, all this maturity comes only by 20. A person realizes what he really wants to do when he becomes 19 होके 20 years में आता है and we see here. So I think it is very important that during that 11th and 12th they should undergo some counseling. They should visit some hospitals or they should whatever they want to pursue. Jaake wahan pe dekho ke how it is and then take a call. So and if you've done it, then do it with lot of dedication and do it as a what should you say? It should be job should be a something that you love. It should then it doesn't remain a job anymore. If you come to a hospital ke abhi hospital jana hai to you will not enjoy it. Hospital jana hai ke khushi se aao. To abhi main I have to do this and that. If I was thinking kaam zyada hai I would never do it. For me it is nahi, I have to make some difference for my alma mater. I have to help the poor. I have to serve the needy. Then I can do it. Next week is my son's shaadi and so I'm still sitting here. That's how it is. तो इतना जुनून होना जरूरी है। हाँ, तो पागलपन होना जरूरी है। ठीक है मैम, all the best for your new role and thank you so much giving time to us. Thanks.